करना है। अब अगर आप चूज करना चाहते हैं कि अगर आपने अगर अभी तक मन बनाया कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छा है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किस कंपनी में ज्वाइन करें, इसको चूज करने का क्या पैरामीटर है, आप कैसे जज करेंगे कि कोई कंपनी अच्छी है या बुरी है, इस कंपनी में मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी चीज इसका नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप आगे चल के फंस जाएंगे। 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, कंपनी भाग गया, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट नहीं मिल, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है 2 साल आपका बर्बाद हो जाए। तो इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ प्रोफाइल पैरामीटर को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छी कंपनी में चूज कर सकते हैं। तो क्या पैरामीटर है, यहाँ पे 4 पैरामीटर आपको बताते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। अब प्रोफाइल बोलने का मतलब, बहुत लोग क्या बोलता है कि कंपनी प्रोफाइल मतलब होता है कि जितना पुराना कंपनी होगा वो बहुत अच्छा है। जी हाँ, जितना पुराना कंपनी चलेगा बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा होगा। बहुत लोगों के बीच में ये धारणा है कि जितना ज्यादा कंपनी पुराना होगा वो कंपनी ज्यादा अच्छा होता है। सही बात है, जो जितना ज्यादा पुराना होता है वो अच्छा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन एक चीज बताइएगा आप लोग कि मान लीजिए कोई कंपनी आज 20 साल का है, आज 15 साल का है, तो एक बैग 15 साल का हो गया क्या? वो कभी ना कभी 1 साल का तो होगा, कभी ना कभी 2 साल का तो होगा, कभी ना कभी 3 साल का तो होगा। तो पहला 3 साल में जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन जिन लोगों ने कंपनी पे विश्वास किया, वो क्या आज उस कंपनी में पैसा नहीं कमा रहे होंगे? तो प्रोफाइल बहुत मायने नहीं रखता है, प्रोफाइल का से ज्यादा मायने रखता है कि कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं। अगर कंपनी नई है तो आपको उस कंपनी का लोग देखना चाहिए, कंपनी में लोग कैसे हैं, उसके पीपल कैसे हैं, लोगों का जो जो डायरेक्टर है, जो उसके कोर मेंबर हैं, वो लोग का बैकग्राउंड कैसा है। तो नई कंपनी भी अच्छी, बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको उसका प्रोफाइल चेक, मतलब उन लोगों का, कंपनी के जो लोग हैं उन लोगों का प्रोफाइल चेक करना होगा। ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर है, वो एमडी है, उनका विजन क्या है, उनका सोच क्या है, उनका मेंटेलिटी क्या है, ये चीज को आप समझ जाएंगे तो नई कंपनी भी बहुत अच्छी हो सकती है उनका, अगर नई कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, क्योंकि आज 15 साल की जो कंपनी है कभी ना कभी 1-2 साल की तो होगी। दूसरा है कंपनी का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बहुत मायने रखता है, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डेली यूज पे हो, और प्रोडक्ट के साथ उसका प्राइस, प्राइस भी बहुत मायने रखता है। देखिए बहुत सारा देखिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आए हुए 25 साल से ज्यादा हो गया, और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आई है, बहुत सारी देसी कंपनियां भी आई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी 10 साल 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, फिर भी आज डायरेक्ट सेलिंग के प्रति इतना पॉजिटिविटी नहीं है। इसका कारण सिर्फ है प्राइस, प्राइस मायने रखता है। बहुत सारी कंपनी आगे बोलती है मेरा तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और उस मोटिवेशन में जो सपने दिखाए जाते हैं उस सपनों को दिखा के लोगों को ज्वाइन करा दिया जाता है। वो 2-3 महीना एक मिडिल क्लास, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली लोग जुड़ता है, मिडिल क्लास के लोग, हायर एजुकेशन वाले, हायर क्लास के लोग बहुत कम इस बिजनेस में आते हैं। तो एक मिडिल क्लास का फैमिली जब प्राइस देखता है मोटिवेशन में, कुछ 2-3-6 महीने तक प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन जब देखता है कि वहां पे इनकम नहीं हो रहा, प्राइस ज्यादा होने की वजह से वो प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देता है। इसलिए प्राइस बहुत मायने रखता है। चौथा, कंपनी का पे आउट कैसा है। जैसा कि हम बताएं, यहाँ पे अभी तक लोगों में धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने के लिए आपको कम से कम 5 साल वेट करना पड़ता है। 5 साल के बाद, आज मेहनत कीजिए, आज से मेहनत करते रहिए करते रहिए, 5 साल के बाद आपको पैसा आना शुरू होगा। तो यहाँ पे लोग इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग प्रेफर नहीं करता है, जॉब के पीछे इसलिए चला जाता है क्योंकि जॉब में हर महीना सैलरी मिलता है। 1 महीना काम किए जो अच्छा लगा, 1 महीना में जितना काम किए उसके हिसाब से उसको पैसा मिल गया। तो यहाँ पे पे आउट ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में भी लोगों को पैसा मिले। यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में, पे आउट के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो ये 4 पीक पर ध्यान रखना होगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और पे आउट, ये 4 चीज है। इसके अलावा ये चीज देखना होगा कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वहां पे ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है कि नहीं, वहां पे लोगों को कैसे एजुकेट किया जाता है, ये भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना तो नहीं सिखाया जाता है, वहां पर आपको अच्छा आदमी बनना भी तो सिखाना चाहिए, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक
ठीक है। तो आप बात करते हैं प्रोफाइल पे, कंपनी का प्रोफाइल हम लोग बात करें यहां पे एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड लोगों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि को समर्पित एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का मिशन क्या है, ये कंपनी एलेक्स का उद्देश्य जीवन को दीर्घायु एवं स्वास्थ्य बनाना, हम बेहतर भविष्य के लिए इस तरह के ब्रांडेड और सर्विसेज को कार्य करना चाहते हैं जिससे लोगों को बड़ा सोचने, अच्छा बनने, अच्छा महसूस करने और जीवन में अधिकतम प्राप्त करने की सहायता मिले। लोगों एलेक्स का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ व समृद्ध बनाना था, उनकी स्वतंत्रता एवं गुणों की वृद्धि करना है, ठीक है। आइए एलेक्स का ग्रोथ को, जो 3 साल में जो एलेक्स का हुआ, एलेक्स का स्थापना 8 जून 2018 को हुआ था, लगभग 3 साल कंप्लीट होने जा रहा है, तो 3 साल में देखते हैं कंपनी का ग्रोथ क्या है। देखिए यहाँ पे कंपनी बोलते हैं कि कंपनी का तो 3 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन कंपनी के जो एमडी हैं उनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो एक एक जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है ना, वो किसी भी तरह का गाड़ी को अच्छे से चला सकता है, नया पुराना से मतलब नहीं। जैसे भी हम प्रोफाइल पे बात कर रहे थे, प्रोफाइल अगर न्यू कंपनी है तो कंपनी के जो एमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो उसके कोर मेंबर हैं, उनका प्रोफाइल चेक करिए। तो यहाँ पे प्रोफाइल जो एमडी हैं उनको 15 साल का से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 60 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी, और कंपनी को डायरेक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। कंपनी जब स्टार्ट की थी तो उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। 1 साल के अंदर कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया था, और आज 2-3 साल कंप्लीट होते कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुका है और तीसरा अभी प्रोसेस में है। जून तक तीसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बन जाएगा। तो सोचिए फास्टेस्ट, अगर प्रोफाइल में भी चेक करेंगे ना, पहला 3 साल की किसी भी जो आज 15 साल की कंपनी है उसका पहला 3 साल और एलेक्स का 3 साल आप मिला के देखिएगा, ये कहीं बहुत 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 ज्यादा है, 300% आगे है। वो लोग जहां एक पे भी नहीं था, यहाँ पे कंपनी ने 3-3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया है। यहाँ पे एफडीएसए का मेंबरशिप फर्स्ट ईयर, मतलब जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी उसी दिन इनको एफडीएसए का मेंबरशिप भी मिल गया था। कंपनी का अपना हेड ऑफिस है, अपना वेयर हाउस है, वो भी अपनी जमीन पे, लीज पे या रेंट पे नहीं, अपनी जमीन है। कंपनी का अपना परचेस किया हुआ जमीन पे अपना हेड ऑफिस है, वेयर हाउस है। कंपनी के पास करीब 4000+, ये कंपनी कुछ पहले जुलाई 2020 का डेटा है, अभी 4000 से ज्यादा एलेक्स का स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में। एडीएस, एआरएस, एटीएस, एएसएम, जेडीएम सब मिलाकर करीब 4000 से ज्यादा स्टोर है। अभी कंपनी के पास 160 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, बताइए 3 साल के अंदर कंपनी के पास 160 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा एसोसिएट, पिछले 2 साल में 1.5 लाख से ज्यादा एसोसिएट कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनकम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हैं जिनका इनकम 10 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट हैं जिनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 30 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट हैं जो कि लाख रुपया से महीना ज्यादा कमाते हैं। मात्र 3 साल की कंपनी जहां पे 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग अवेलेबल है, 2000 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट होंगे जो 10,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 5,000 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट होंगे जो हर महीना 10,000 से कम कमाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका पे आउट भी इस तरह से है कि नीचे वाले इनकम को जो स्टार्टिंग में है उनको भी अच्छा खासा इनकम आता है। कंपनी का अगर लीगल और अवार्ड्स की बात करें तो कंपनी हर तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरत है, हर डॉक्यूमेंट इसके पास कंपनी के पास है। एफडीएसए का एफडीएसए से प्रमाणित कंपनी है, बिजनेस इनको फास्टेस्ट गोइंग बिजनेस का अवार्ड मिला हुआ है, जो भी पैन टैन जो होता है सब तरह की कंपनी के पास सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। एलेक्स इंडस्ट्री, जैसा बता रहे कि एलेक्स पहली 1 साल में कंपनी ने अपना इंडस्ट्री भी बना लिया था, उसके पास भी सारा जीएमपी प्रमाणित है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, डब्ल्यूएचओ, आईएसओ, एचसीएपीपी, हलाल प्रमाणित, सभी तरह का सर्टिफिकेशन कंपनी के पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना होता है कि यहाँ का प्रोडक्ट महंगा होता है, तो आज उनका भी क्लियर करते हैं कि एलेक्स का प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, इस चीज को भी आप अभी समझ में आ जाएगा। कंपनी के पास किस तरह का प्रोडक्ट है, डेली यूज का प्रोडक्ट है, सब इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बना दिया और यूज नहीं हो रहा, सब प्रोडक्ट यूज होता है, बार बार इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है,
जो चीज और सब ट्रस्टेड है, बहुत लोग तो बोलते हैं एलेक्स है तो प्योर ही होगा, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है एलेक्स के पास। अगर हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, होम केयर का प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सभी तरह का प्रोडक्ट का रेंज कंपनी के पास अवेलेबल है। और जून आते आते कंपनी के पास 200 से ज्यादा नए प्रोडक्ट, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट जून तक आने वाला है। तो यहाँ पर सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी बात कि सब अफोर्डेबल है। यहाँ पर जो भी कंपनी का प्राइस है वो मिनिमम 20 रुपया से लेकर 700 रुपया के बीच में ही है, और कंपनी यहाँ पे 14 दिन का मनी बैक गारंटी भी देती है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का भी वादा करती है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं अच्छा नहीं लगता है, 14 दिन के अंदर आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। अब प्राइस की बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि महंगा है महंगा है, देखिए यहाँ पे महंगा है या सस्ता है यहाँ पे दिखाते हैं। आप एक टाटा टी प्रीमियम खरीदने जाते हैं, 500 ग्राम की चाय पत्ती खरीदते हैं, 199 रुपया पड़ता है। ये हम किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं आपको, जिसका प्रोडक्ट अभी तक आप इस्तेमाल करते आ रहे थे। किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इससे ज्यादा रेट हो सकता है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं जिसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक। आप टाटा टी प्रीमियम 500 ग्राम का 199 रुपया दाम है, हमारे यहाँ 189 रुपीज प्राइस है, जबकि रेड लेवल 500 ग्राम 210 रुपया पड़ता है। आप चाय को कंपेयर करके देखिएगा, कभी भी रेड लेवल और टाटा प्रीमियम से लाख गुना बेहतर चाय है। जो लोग चाय इस्तेमाल करते हैं वो जानते होंगे। आप जो हम लोग कंपनी का साबुन जो लेमन और रोज सोप आता है उसको आप कंपेयर कीजिए लक्स या फिर डेटॉल से, 100 ग्राम साबुन वहां 27 रुपया में आता है, डेटॉल साबुन 100 ग्राम 32 रुपया में आता है, हमारा 100 ग्राम साबुन 24 रुपया में आता है। ये लोग टॉयलेट सोप आते हैं, ग्रेड 2 TFM होता है वहां पे, हमारा यहाँ पे बाथिंग सोप आता है। ये बाथिंग सोप है और ये लोग टॉयलेट सोप आता है। तो रेट बोलते हैं ना, बहुत लोग महंगा है, आप दिखाइए ना, कंपेरिजन करके दिखा दीजिए ना उनको क्या महंगा है या सस्ता है, और प्रोडक्ट का कंपेयर करके देखते हैं। शैम्पू का कंपेयर कीजिए, हिमालय का एंटी डैंडर शैम्पू, जो हमारा एंटी डैंडर 200 ml का आता है, 105 रुपया मिलता है, हिमालय का एंटी डैंडर 115 रुपया में आता है। हीना पतंजलि का हीना सिका का शैम्पू 110 रुपया में आता है, हमारा 105 रुपया में आता है, 5 रुपया पतंजलि से भी सस्ता है। लोग बोलते हैं पतंजलि सस्ता होता है, कंपेयर कीजिए ना और क्वालिटी मिला के देख लीजिएगा, पतंजलि का क्वालिटी और हम एलेक्स का क्वालिटी, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ जाएगा। तेल, भिंगराज तेल, यहाँ पे इंदुलेखा भिंगराज तेल आता है, 100 ml का 367 रुपया दाम है, हमारे यहाँ 200 ml का 260, वो भी कौन पाक विधि से बनाया जाता है, उससे कंपेयर करके देखिए, उससे लाख गुना बेहतर तेल होगा। ब्राह्मी आंवला तेल 200 ml का 125 रुपया, यहाँ पे डाबर का आता है 136 रुपया, आप कंपेयर करके देखिए, कंपेयर करवाइए लोगों को, बताइए। टॉयलेट क्लीनर जो हमारे पास आता है 80 रुपया में आता है, हार्पिक 86 रुपया में आता है, 500 ml, महंगा या सस्ता है आप बताइए। डिशवाश बार लिक्विड 750 ml का जो था वो 152 रुपया दाम है, ये विम बार 155 रुपया में आता है। फ्लोर क्लीनर, हम लोग बस फ्लोर क्लीनर देखिए, 1000 1 लीटर का जो आता है 151 रुपया दाम है, लाइजोल आता है 176 रुपया में, महंगा या सस्ता है आप बताइए। लोगों को अवेयर नहीं है, एक दो प्रोडक्ट को देख के वो कंपेयर करते हैं। आप डेली यूज का जो प्रोडक्ट है उससे कंपेयर करिए ना। वेजी केयर आता है 1 लीटर का 300 रुपया दाम है, फिनाइल 100 ml फिनाइल 90 रुपया में आता है, जिसको आप 3 लीटर का फिनाइल बना सकते हैं। वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर आता है 1 kg 80 रुपया में, 1 kg 120 रुपया में, 500 ml, ये सब रेट देखिए, 200 ग्राम विम बार 20 रुपया में आता है, डिशवाश बार जो बर्तन धोने वाला 20 रुपया, विम बार भी 20 रुपया में मिलता है, तो कहाँ महंगा है। लेमन ब्यूटी सोप 24 रुपया, बॉडी लोशन 200 ml 200 रुपया का, जो बॉडी लोशन लगाते हैं वो आपसे पूछिएगा कि बॉडी लोशन का क्वालिटी क्या है, गर्मी में भी आप लगाइए चिपचिपा नहीं होगा। लोग गर्मी में और किसी कंपनी का बॉडी लोशन कोई इस्तेमाल नहीं करता, आप एलेक्स का बॉडी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये चिपचिपा नहीं होता। फुट क्रीम, सेविंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम, एप्रिकोट, सब चीज को आप कंपेयर कर देखिए, देखिए इससे सस्ता आप क्या प्रोडक्ट ढूंढते हैं। टर्मरिक पाउडर उसका कंपेयर कीजिए, टर्मरिक पाउडर आपका 57 रुपया में आता है, ट्रेडिशनल रेट 56 रुपया एवरेस्ट का, एवरेस्ट मसाला आपको 56 रुपया में आता है। कोरिएंडर 56 रुपया में आता है, हमारे पास 57 रुपया में आता है।
1 रुपया ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस पॉइंट मिलता है, ये बिजनेस पॉइंट आपके पास पैसा बन के आता है, ये आगे हम लोग चल के देखेंगे। चाय, चाय का कंपेयर कर चुके, बासमती राइस कंपेयर कीजिए, लॉन्ग राइस, चना, ब्लैक, आप जो चना चना खरीद के आते हैं बोलते चना महंगा है, आप जाइए ना जियो मार्ट से चना खरीद के लाइए ना, जो एलेक्स में जो चना मिलता है उस क्वालिटी का चना खरीद के लाइए ना, आप चना लेके आते हैं कोई छोटा है मोटा है, किसी में घुन लगा हुआ है, किसी में कीड़ा लगा हुआ, उस चना से कंपेयर करते हैं बोलते हैं महंगा है। तो चना आप ऐसे चना से कंपेयर कीजिए, जिस रेट का जिस क्वालिटी का आप चना दे रहे हैं उस क्वालिटी से कंपेयर करिए ना। काबली चना बोलते हैं महंगा है, अरे महंगा बिग बास्केट या जैसे रिलायंस प्रेस में जाइए वहां जो काबली चना मिलता है उससे कंपेयर कीजिए ना, जो राजमा आता है राजमा को कंपेयर कीजिए, जो चित्रा राजमा चना आता है, जो देखिए 2-3 तरह का राजमा होता है, जो बेस्ट क्वालिटी होता है जो हमारे पास जो राजमा चित्रा आता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, उससे आप कंपेयर करके देखिए। नेचुरल रॉक सॉल्ट जो आता है हमारे पास मार्केट में, यहाँ पे 130-103 रुपया लिखे नहीं, 120 रुपया जाके आप चेक कीजिएगा, 120 रुपया में मिलता है प्यूरो रॉक सॉल्ट, 120 रुपया उसका MRP है, हमारे यहाँ 99 रुपये में रॉक सॉल्ट मिल जाता है, कौन बोलता है प्रोडक्ट महंगा है। आज जोस राइस ब्रैन ऑयल 230 रुपया में हमारे पास रेट हो गया है, अभी करंट रेट 230 रुपया का है। आज सरसों तेल 210 रुपया रेट लीटर मिल रहा है, रिफाइंड तेल 200 रुपया मिल रहा है, सोचिए रिफाइंड तेल 200 मिल रहा है, उससे लाख गुना तो बेहतर जोस का रिफाइंड तेल है, जबकि जोस रिफाइंड तेल जो जो भी जानता है जोस राइस ब्रैन ऑयल उसका क्वालिटी क्या है, खाने के लिए कौन सा सबसे बेहतर तेल होता है, रेट कंपेयर करेंगे तो ऐसे रेट कंपेयर करेंगे ना जो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट आपका महंगा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब इसके अलावा अभी तक हम लोग डेली यूज का प्रोडक्ट देख रहे थे, अभी आप आयुर्वेदा का प्रोडक्ट्स देखिए, जो कंपनी यहाँ पे हमारे पास कंपनी का खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कंपनी खुद से प्रिपेयर करती है, उसका रेट आप कंपेयर कीजिए किसी भी और कंपनी का, जो भी ट्रेडिशनल कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो या ट्रेडिशनल कंपनी हो, उससे आप रेट कंपेयर करके देखिएगा। एलोवेरा फाइबर जूस 275 रुपया में किसी भी कंपनी का इतना सस्ता एलोवेरा नहीं मिलता है, जिसमें कि 98% एलोवेरा है। फीवर गो सिरप 100 रुपया में, फीवर गो सिरप और क्या सस्ता हो सकता है इससे, 110 रुपये में डाइजेस्ट फिट सिरप, कॉफीन सिरप 90 रुपया में 200 में लाता है, सोचिए वहां पे ऐसा कफ सिरप जो पीने के बाद नींद आ जाता है, जिसको लोग नशा करने के लिए यूज करता है, वो लोग 100-100 ml का 90 रुपया 100 रुपया सिरप का दाम होता है, जिससे खांसी ठीक नहीं होता है, नशा आता है, आदमी सो जाता है। यहाँ पे आपको प्योर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स आपको मिलता है इस रेट में, आप कंपेयर करके दिखाइए ना लोगों को, बताइए उसका इंग्रेडिएंट दिखाइए कि देखिए यहाँ पे कैसे बनाया जाता है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, हर्ब को उबाल के बनाया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, हर्ब बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, हर्ब लाती है उसको पानी में घोल के पैक करके दे देता है, हम लोग यहाँ हर्ब को लेकर जड़ी बूटी को निकाल कर उसको खौला के उसको बनाया जाता है, प्योर प्योर हर्ब्स का यूज किया जाता है। गिलोय, सुगंधा, नीम टैबलेट, गार्लिक, ये सबको आप चेक करिए, 60-60 है, उसको आप कंपेयर करके देखिए कि कितना महंगा या सस्ता है, क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान पे, कि जैसे हम 4P बताए थे, प्रोफाइल बता दिए, प्रोडक्ट बता दिए, प्राइस भी बता दिए, अब हम प्लान की चर्चा करते हैं कि एलेक्स का प्लान कैसा है। अभी तक देखिए डायरेक्ट सेलिंग में, आज डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए इंडिया में करीब 2 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी 2 साल सॉरी 10-15 से 20 साल से ज्यादा हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आए हुए, लेकिन जिस रफ्तार से डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में बढ़ना चाहिए था वैसे नहीं बढ़ा। इसका कारण क्या है कि लोगों के बीच में दो मिथ है, ये भ्रम है, वो भ्रम क्या है, पहला कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी विदेशी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों के मन में बैठा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट अच्छा तो होता है लेकिन बहुत महंगा होता है, ये एक भ्रम बैठा हुआ है लोगों में। जब तक एलेक्स नहीं आया था ना लोगों के बीच में ये भ्रम था। अब लोग बोलते थे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, 5-10 साल तक लगे रहना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, पैसा आए नहीं आए टिकना पड़ेगा, लगना रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, 5 साल जो भी टिक जाता है ना बहुत आदमी बन जाता है। आज जो भी लोग इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, कमाए हैं और आज लाखों में खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 5-10 साल दिए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकम 5 साल के बाद, आज का जनरेशन अलग है, आज का जनरेशन चाहता है जल्दी से जल्दी इनकम आए, इसलिए तो जॉब के पीछे भागता है, तो वहां 1 महीना काम करेंगे कम से कम फिक्स सैलरी मिलेगा,
तो बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप जितना काम किए हैं, जितना बिजनेस दिए हैं, उससे उतना तो इनकम आपको मिलना चाहिए। ये दो मिथ था लोगों में कि क्वालिटी बहुत अच्छा होता है लेकिन वहां पे इनकम आने के लिए 5 साल मेहनत करना पड़ता है। तो दोनों मिथ को यहाँ पर और लोगों के बीच में ना ड्रीम दिखाया जाता था कि आप मेहनत करिए, 5 साल लगे रहिए, 10 साल लगे रहिए, आपके पास कार आएगा, गमला आएगा, बंगला आएगा, सब चीज आ जाएगा। झूठी सपना दिखाकर लोगों को 5 साल तक रोके रखा जाता था। लोगों का ड्रीम यहाँ पे क्या है कि ड्रीम से पहले जरूरत आता है। ड्रीम तब आएगा ना जब लोगों का जरूरत पूरा होगा। अगर मेरे पेट खाली है तो, अगर हमको भूख लगा हुआ है तो हम रोटी खाने खोजेंगे कि हम पिज्जा खाने सोचेंगे? अगर रोटी खाने का पैसा नहीं है तो हम पिज्जा खाने का सपना कैसे देख सकते हैं? तो रोटी मेरे लिए जरूरी है। रोटी पहले हमको कमाने सीखना होगा। रोटी जब आप कमाने सीख जाएंगे तब आप कभी पिज्जा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। फिर पेट भरने के लिए पहले रोटी चाहिए। तो झूठे सपने नहीं, मतलब नीड नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि एलेक्स क्यों करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में दो तरह के लोग हैं, ठीक है। पहला एक कैटेगरी आता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। कितना भी कोशिश कर लीजिए, हर आदमी को आप बिजनेस नहीं करवा सकते, हर आदमी नेटवर्कर नहीं बन सकता है। कुछ लोग होंगे कि जिसको जो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक क्या होता था डायरेक्ट सेलिंग में कि पैसा सिर्फ उसको मिलता था जो नेटवर्किंग करता था, जो लोग टीम बनाता था, जो लोग को जोड़ता था, तभी पैसा कमाता था। एक कंज्यूमर हमेशा कंज्यूमर ही बना रह जाता था, उसको खास बेनिफिट नहीं होता था। 80% कंज्यूमर होता है। एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, जो ट्रेडिशनल मार्केट से वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए। एक कंज्यूमर को आपको जोड़ने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि आप जो क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे ना, जो शैम्पू इस्तेमाल करते थे, जो साबुन इस्तेमाल करते थे, उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, लेकिन उसी रेट में देंगे, उसी प्राइस में देंगे आपको, तभी वो लेना लेना पसंद करेगा। और वो चाहता है क्या है कि कम से कम रेगुलर कैशबैक मिले। आप एक चीज बताइए, एक किराना दुकान है जहां से आप सामान लेते हैं, एक बगल में किराना स्टोर है, एक किराना स्टोर 1 रुपया भी आपके पास नहीं छोड़ता है, 1 रुपया भी नहीं। जब भी कुछ सामान जाइए, 10 रुपया हुआ तो 10 रुपया लेगा आपसे, 1000 रुपया, 1199 रुपया हुआ तो 1199 रुपया लेगा आपसे। और एक स्टोर ऐसा है कि जो 1199 वो बोलता है अच्छा अच्छा चलिए ना 10-20 रुपया कम दीजिएगा। आप कहाँ से सामान लेना पसंद करेंगे जो आपको 10-20 रुपया छोड़ देता है? नॉर्मल टेंडेंसी है, यहाँ पे लोगों का मेंटालिटी है, अरे 10 रुपया छोड़ा, 10 रुपया का एक कुरकुरे खरीद लेंगे बेटा के लिए। तो लोगों का मेंटालिटी ये है कि हम जहां पे थोड़ा सा पैसा मिलेगा हम वहीं से सामान लेगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर को समझा एलेक्स ने, आपके कंज्यूमर का बिहेवियर को समझा, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस रेट में बनाया और साथ में रेगुलर कैशबैक भी देता है। ये आगे बात करेंगे कैसे कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट, दूसरी एक कंपनी में दूसरे तरह के लोग होते हैं जिसको नेटवर्कर बोलते हैं। नेटवर्कर वो लोग होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, जो कि इस बिजनेस के पावर को समझते हैं। वो लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं। तो बहुत सारे कंपनी में लोग जुड़े, बहुत सारे कंपनी में देखा, बहुत सारी पुरानी कंपनी है जिसमें लोग काम किए लेकिन वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 5-10 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, 10-10 साल तक मेहनत कर रहा, रगड़ रहा है, बोलता है नहीं यही मेरे कंपनी जीवन है, बोल रहता है, लेकिन 10 साल में उसकी स्थिति जैसी थी वैसी बनी रह जाती है। तो एक नेटवर्कर क्या चाहता है कि फास्ट इनकम आए, जल्दी से जल्दी इनकम आए और रेगुलर इनकम आता रहे। ऐसा नहीं कि कभी 1 महीना आया, 2 महीना नहीं आया, 3 महीना नहीं आया। वो चाहता है, एक नेटवर्क हमेशा चाहेगा कि जैसे जॉब में आप इनकम आता है वैसे एक रेगुलर इनकम आता रहे, एक फास्ट इनकम आता रहे और एक स्टेबल कैरियर मिले। बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि आप एक महीना मेहनत किए, बहुत टॉप में पहुंच गए, दूसरे महीना फट से नीचे 0, फिर से मेहनत करो। आप समझ रहे होंगे किस कंपनी की बात कर रहे हो। ऐसा होता है कि 1 महीना हीरो, 1 महीना 0, स्टेबल नहीं रहता करियर, लेकिन लोग लगे रहते हैं। तो एक नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझना होगा कि ऐसी कंपनी का प्लान कंपनी में ऐसा होना चाहिए कि एक कंज्यूमर भी खुश रहे और एक नेटवर्कर भी खुश रहे। और एलेक्स ने ये दोनों चीज को समझा है, उसी के हिसाब से कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि कंज्यूमर भी खुश, नेटवर्कर भी खुश। इस चीज को समझने के लिए आगे चलते हैं कैसे। तो जब आप, जैसा समझाया कि कंज्यूमर इज किंग,
क्यों कंज्यूमर को किंग बोला जाता है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर होते हैं। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग जुड़ते हैं ज्यादातर सिर्फ 10% लोग होते हैं जो नेटवर्किंग प्योर नेटवर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, और 80% लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर होते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है तो कंज्यूमर को भगवान समझना पड़ेगा, जैसे और कंपनियों में समझते हैं। तो कंपनी ने कुछ ऐसे फैसिलिटीज कंज्यूमर के लिए दिए हैं जहां पर वो कभी भी ठगा हुआ महसूस नहीं करता है। अब एक कंज्यूमर हैप्पी कंज्यूमर कब होगा? यहां पर देखिए, जो भी कंज्यूमर जो भी सामान खरीदता है, जैसे एमआरपी से जो भी एमआरपी है, जैसी कंपनी यहाँ पे, जो भी कंज्यूमर यहाँ पे बिजनेस, सबसे पहले तो इस कंपनी में आपको आईडी लगाना पड़ेगा, एक डिस्काउंट कार्ड बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट कार्ड बनाने के लिए आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक का डिटेल चाहिए। बैंक का डिटेल इसलिए कंपनी मांगती है क्योंकि आपको हर महीने कुछ ना कुछ कैशबैक रिटर्न करती है, इसलिए कंपनी बैंक डिटेल भी लेती है। तो जैसे ही एक बार आप आईडी लगा लेते हैं, आईडी लगाने के बाद आपको एक कोड मिलता है, एसोसिएट आईडी मिलता है, यूजर आईडी मिलता है, और वहां से आप परचेजिंग करते हैं। जैसे ही आप आईडी लगा लेते हैं, कंपनी में आपको 10-40% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे एलेक्स ग्रीन टी, ग्रीन टी का कीमत 250 रुपया है, लेकिन आपको आईडी लगाने के बाद आपको ये 200 रुपया मिलता है। यहाँ पे 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, और आपको यहाँ पे कुछ बिजनेस वैल्यू, कुछ पॉइंट मिलता है जिसको कि बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है। तो यहाँ पे 95 बिजनेस वॉल्यूम होता है। ये बीबी क्या होता है आगे चल के हम डिटेल में इसको समझेंगे। तुलसी, तुलसी 145 रुपये का है, आपको 120 रुपये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आईडी लगाने से आपका प्रोडक्ट 20-30% आपका सस्ता हो जाता है, किसी किसी में तो 40% का डिस्काउंट मिलता है। तो सिर्फ आईडी लगाने से आपको एमआरपी से इतना लंबा छूट मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1031 रुपये का आपने सामान खरीदा, जो कि आपको एमआरपी 1031 का सामान खरीदा था, जो कि आपको 819 रुपये मिला, मतलब 200 रुपया तो आपका ऐसे डिस्काउंट मिल गया सिर्फ आईडी लगाने से, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। और 318 बिजनेस वॉल्यूम मिला। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है इसको हम समझेंगे अभी। तो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ एक बिजनेस पॉइंट दिया जाता है। ये बिजनेस पॉइंट क्या होता है आगे यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस पॉइंट क्या होता है कि एक बीबी करीब आपका 2.5-3 रुपया के बीच में एक बीबी होता है। जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको एक पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट आपको आप एलेक्स का जो ऐप है, ऐप को ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको कुछ ना कुछ जो प्राइस होता है एमआरपी से आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के अलावा कुछ बिजनेस पॉइंट भी मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट बीबी मिलता है, ये बीबी के अकॉर्डिंग आपका कुछ कमीशन फिक्स होता है। जैसे ही आपका 1000 पॉइंट हो जाता है, जैसे पिछले स्लाइड में हमने दिखाया था कि टोटल 318 बिजनेस पॉइंट हुआ, तो जैसे ये बिजनेस पॉइंट आपका 1000 पहुंच जाएगा, उस समय आप 8% प्रॉफिट लेवल में आ जाएंगे। जैसे ये 5000 बिजनेस वॉल्यूम होता है 18% में आ जाते हैं, जैसे 20000 बिजनेस वॉल्यूम होता है 23% में आ जाते हैं, 50000 बिजनेस वॉल्यूम पे 27 होता है, और 80000 बिजनेस वॉल्यूम होता है 30% हो जाता है। तो ये आपका खरीदारी पे, जितना ज्यादा खरीदारी करते जाएंगे धीरे धीरे आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ता जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ पे महंगाई धीरे धीरे घटता है, यहाँ पे महंगाई धीरे धीरे घटता है, कैसे आगे आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, जैसे पहले महीना आप अगर आपने 3000 रुपये का सामान खरीदा, लगभग 3000 का सामान खरीदा, तो आपका 1100 पॉइंट हो जाता है। 1100 पॉइंट होने पे 1100 बीबी होता है, 1100 बीबी पे आपका प्रॉफिट लेवल 8% आ जाता है, और आपका कैशबैक 88 रुपया वापस आता है। 1000 का 8% 88 रुपया आपके अकाउंट में कंपनी वापस भेज देती है, मतलब पहला महीना से ही 3000 का खरीदारी पे आपको 8% कमीशन आपके अकाउंट में चला गया। आप नेक्स्ट दूसरे महीना भी 3000 का सामान खरीदते हैं, 1100 बीबी का पॉइंट होता है, और आपका टोटल, मतलब पहला और दूसरा महीना का बिजनेस आपका जुड़ते जाता है, तो पहला दूसरा महीना का बिजनेस आपका 2200 बिजनेस हो गया। दूसरा महीना भी 1100 बीबी का आपने परचेस किया, उसका 8% 88 रुपये आपका बैंक अकाउंट में चला गया। तीसरा महीना भी यही हुआ, 3000 का लगभग आपने सामान खरीदा, 1100 पॉइंट का सामान खरीदा, टोटल बिजनेस हो गया आपका 3300, 8% के हिसाब से 88 रुपये आपको कमीशन वापस चला गया। अब यहाँ पर आपको जैसे जैसे खरीदारी करते जाएंगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे आप पांचवा महीना में आ जाते हैं, पांचवा महीना में टोटल आपका बिजनेस वॉल्यूम 5500 हो जाता है,
मतलब आपका ये 5,000 से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि उसी 3,000 का सामान खरीदने में, जहां पे आपको 88 रुपया वापस मिल रहा था पांचवा महीना, उसी 3,000 का सामान खरीदने से 198 रुपया आपके अकाउंट में वापस आ रहा है। महंगाई घटा, महंगाई कम हुआ, पहले 3,000 पे 88 रुपया मिल रहा था, अब 3,000 पे आपको 198, लगभग 200 रुपया का आपको वापस मिलने लगा। उसी तरह से धीरे 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 जैसे जैसे आप आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जब आप 23% में आएंगे, उसी 1,100 3,000 का सामान खरीदने में आपको 253 रुपया वापस मिलने लगेगा। जैसे ही आप 27% में आएंगे आपको 297 रुपया वापस मिलेगा। जैसे ही आप 30% में आएंगे आपको 330 रुपया वापस मिलने लगेगा। तो जितना ज्यादा आप परचेजिंग करेंगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट आपका और सस्ता होता जाता है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 महीने, जैसे आपने पहला 3 महीना परचेजिंग कर लिया, पहला 3 महीना आपने अगर परचेजिंग कर लिया 1,100 बीवी का, 3 महीना आपने परचेज कर लिया, तो आपको कंपनी 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। अब आप सोचिए कि अभी तक आप कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, आपको क्या इंश्योरेंस मिल रहा था? लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी जरूरत का सामान, प्रोडक्ट का रेट भी हमने दिखा दिया, क्वालिटी भी आपको दिखा दिया कि उसी रेट का प्रोडक्ट, उसी उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट, और जिस रेट का प्रोडक्ट आप परचेज करते आ रहे थे, वही प्रोडक्ट आप यहाँ भी परचेज कर रहे हैं, उतना ही बजट का आप यहाँ भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है इंश्योरेंस, 2 लाख का इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस मिलने का मतलब क्या है कि अगर जिनके नाम पर आईडी आपने ये डिस्काउंट कार्ड बनाया है, जिनके नाम पे आपने आईडी लगाया है, अगर उनका किसी भी कारण से डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल किसी भी तरह से डेथ होता है, तो उनके जो भी नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिलेगा। और साथ में उनको 5,000 तक का, उनके फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी मिलता है 5,000 रुपया तक का, जब तक कि वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। ये एक चीज हमको पहले शक लगता था कि सच में ये है कि नहीं, तो कल हम अपना जो इंश्योरेंस वाला जो पेपर आता है, उस पेपर में खोल के देखे थे, वहां पे लिखा हुआ था ये चीज कि 5,000 तक का आपको एजुकेशन में वो फंड मिलेगा। ठीक है, इसका भी प्रूफ है, आप चाहे तो अपना भी इंश्योरेंस जिनका भी होगा खोल के देख सकते हैं या दिखा सकते हैं लोगों को। अब एक चौथा बेनिफिट कंज्यूमर के लिए क्या है कि जैसे जैसे आप 12 महीना तक परचेजिंग कर लेते हैं, आपको एक नेशनल ट्रिप मिल जाता है। 3 दिन 2 रात का आपको नेशनल ट्रिप मिलता है। मतलब 12 महीना आप खाइए पीजिए, सामान लीजिए, पैसा आपके अकाउंट में वापस आ रहा है, 200-200 रुपया वापस भी आ रहा है, और साल में एक बार किसी भी तरह का नेशनल ट्रिप, मतलब किसी भी सिटी में, जैसे जयपुर हो सकता है, गोवा हो सकता है, शिमला हो सकता है, इसी तरह का कोई भी तरह का कोई भी अच्छे शहर में आपको 3 दिन 2 रात का रहना खाना फ्री मिलता है। इसके अलावा एक कंपनी ने ऑफर और दिया है कि अगर आप नेशनल ट्रिप नहीं जाना चाहते हैं, कोरोना का चक्कर या जो भी कारण से आप अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर 9 महीना आपने अगर 1,100 बीबी का लगातार परचेज कर लिया है, तो आपको 4,500 रुपया का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। मतलब यहाँ पे हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हर चीज में आपको बेनिफिट है। तो एक कंज्यूमर के हिसाब से सोचिए कि एक कंज्यूमर को अगर हम ये चीज बेनिफिट बता रहे हैं, तो वो कंज्यूमर को क्या नुकसान है? उससे हम लोग एक पैसा ज्वाइनिंग के नाम पे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसका हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, उसको बेनिफिट समझा रहे हैं कि आप अगर यहां से लेना शुरू करते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है, और आपको नेशनल ट्रिप मिलेगा, या फिर 4,500 का प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा। अब सोचिए, यहाँ पे महीना भर में आपने, साल भर में आप 36,000 का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और करीब 2,000 रुपया का आपका अकाउंट में वापस भी आ जा रहा है पहला अगर है तो। अगर वही 30% में आ जाएंगे, तो यहाँ पे करीब 2,500 से ज्यादा आपका अमाउंट अकाउंट में वापस आ जाएगा, और साथ में हर साल नेशनल ट्रिप ले रहे हैं, या फिर 4,500 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, और साथ में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर कर रही कंपनी, और वो भी अगर गलती से कहीं कुछ हो जाता है, तो आप 5,000 का हर बच्चे को, आपको दो बच्चे तक का 5,000-5,000 रुपया का आपको हर महीना आपको एजुकेशन के नाम पे भी कंपनी देती है। सोचिए, इतना सारा बेनिफिट अगर किसी कंज्यूमर को मिलता है, तो कंज्यूमर क्यों जाएगा कहीं और? तो ये सब चीज लोगों को बताना पड़ेगा। अब देखिए, रेगुलर परचेज ऑफर जो हम अभी बता रहे थे कि ऑफर 2 यहाँ पे है, या तो आप 12 महीना का लेकर लगातार 1,100 भी लेकर आप 3 दिन 2 रात का नेशनल ट्रिप ले सकते हैं, या फिर आप 4,500 का प्रोडक्ट 9 महीना तक लगातार परचेजिंग करके 4,500 का प्रोडक्ट फ्री ले सकते हैं। अब नेटवर्कर क्या होता है? नेटवर्कर, अब 5 से 10 मिनट और लगेगा। एक नेटवर्कर क्या होता है? जो कि अपना ड्रीम, जिसके पास ड्रीम होता है, जो पैसा कमाना चाहता है। तो नेटवर्कर ड्रीम कब पूरा होगा? जब वो टीम बनाना शुरू करेगा। तो
टीम बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो तीन स्टेप बताए थे अभी तक, हम लोग सिर्फ पहला स्टेप फॉलो कर रहे थे कि अपना ब्रांड चेंज कर रहे थे, तो आप एज ए कंज्यूमर क्या क्या बेनिफिट ले रहे थे। लेकिन एक नेटवर्कर बनना है, अपना ड्रीम को पूरा करना है, तो आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा, वो क्या है, शेयर करना पड़ेगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा, जो फायदा आपको मिल रहा था वही फायदा आप लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो हम यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हमको हर महीना ट्रिप मिलता है, हर साल एक ट्रिप मिलता है, हर साल हर महीना 200-200 रुपया कंपनी वापस भी देती है, इंश्योरेंस मिलता है, ये सब फलना फलना चीज आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम बताया थे कि आपको परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है, 1000 पे 8%, 5000 पे 18%, उसी तरह से जब आप 30% में आ जाते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। क्योंकि ये नेटवर्किंग का है, इसलिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप 30% में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप फ्यूचर स्टार लेवल पहुंच जाते हैं। अब 30,000 पहुंचने का भी और भी बहुत शॉर्टकट है कि अगर लगातार आप जिस महीने ज्वाइन किए हैं उस मंथ से अगर लगातार 3 महीने तक अगर 50,000 बीवी कर लेते हैं, तब पर भी आप फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। इसके अलावा और भी शॉर्टकट है फ्यूचर स्टार बनने का, वो आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बीबी टीबीबी ये सब समझना जरूरी है, तो इसके बारे में भी आगे चल के धीरे धीरे हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे एलेक्स बिजनेस में जुड़ने के बाद आप 12 तरह का इनकम कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरह का, 12 तरह का इनकम हो सकता है। यहाँ पे एक चीज होता है कि अमीर आदमी के पास सिर्फ एक इनकम का सोर्स नहीं होता है, एक जो अमीर आदमी होता है ना, उसके पास बहुत तरह का इनकम का सोर्स होता है। कहा जाता है कि एक अमीर आदमी के पास कम से कम 7 इनकम का सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 तरह का कंपनी इनकम देता है। पहला है रिटेल प्रॉफिट 25% तक, दूसरा परफॉर्मेंस बोनस 30% तक, बूस्टर रॉयल्टी मिलता है 10%, पिन लेवल 10%, लीडरशिप बोनस 21% तक मिलता है, जैक रॉयल्टी 10-10.5% मिलता है, राइजिंग स्टार, साइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, वेगा स्टार, अलग अलग लेवल में अलग अलग जैक रॉयल्टी मिलता है। फंड्स मिलता है 11%, ट्रैवलिंग फंड, कार फंड, हाउस फंड, वेगा फंड, स्कॉर्पियन फंड, ये उसके अलावा लीगल रॉयल्टी मिलता है, यूनिवर्सल रॉयल्टी मिलता है, लियो स्टार रॉयल्टी मिलता है, ग्लोबल स्टार मिलता है, इस तरह का रॉयल्टी इनकम यहाँ पे, इतने तरह का आप इनकम प्लान यहाँ पे है। इसके अलावा प्रॉफिट लेवल यहाँ पे देखें तो इनकम आने के लिए 8-30% में अगर आप लेवल है, तो कम से कम 300 बीबी पर महीना आपको करना होगा इनकम जो बना है उस इनकम को लेने के लिए। लेकिन जैसे ही आप राइजिंग स्टार या 30% से 35% ऊपर चले जाते हैं, तो 1000 पॉइंट करना पड़ता है, और 37-40% में तो आपको 2000 पर मंथ आपको पर्सनल खरीदारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप हम लोग बात करते हैं बूस्टर रॉयल्टी का। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से समझिए। इस पिक्चर को नहीं समझेंगे तो आप बूस्टर का जो प्लान है ना, ये बूस्टर कंपनी का यूनिक प्लान है। ये आज तक डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आई और गई, किसी भी कंपनी ने इस इतने रूट लेवल का चीज को नहीं समझा था। अगर देखिए, कोई पेड़ कितना भी बड़ा, कितना बड़ा होगा, उसका डिपेंड करता है उसका जड़ कितना मजबूत है। जितना भी पुराना, जितना भी बड़ा पेड़ होता है ना, जैसे बरगद का, पीपल का पेड़ देखिएगा, उसका जड़ बहुत नीचे नीचे तक फैला होता है। मतलब जिसका जड़ मजबूत होता है, वो पेड़ ऑटोमेटिक हरा भरा फलदायी बनेगा। तो बूस्टर भी वही चीज है, एक जड़ की तरह है। मतलब बूस्टर जैसे, देखिए, कोई पेड़ मजबूत है, उसका जड़ मजबूत होगा तभी, जड़ से ही सब चीज मानता है। जड़ में आप पानी खाद डालेंगे तो पेड़ तक ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। बूस्टर रॉयल्टी भी वही चीज है, क्योंकि स्ट्रांग रूट रहेगा, मजबूत जड़ रहेगा, तो पेड़ भी मजबूत बनेगा। तो उसी को ध्यान में रखकर कंपनी ने बूस्टर रॉयल्टी बनाया है। तो ये सो जड़ है, जड़ को मजबूत करने का काम करता है हमारा बूस्टर रॉयल्टी, ठीक है। अब ये बूस्टर रॉयल्टी समझिए, जैसे यहाँ पे कंपनी 5% बूस्टर रॉयल्टी देता है, ठीक है। 5% बूस्टर रॉयल्टी कैसे देता है, इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ पर आप जो पहला मॉड्यूल है कंपनी का, इस मॉड्यूल 1 को समझिए। ये मॉड्यूल पहला जो बूस्टर मॉड्यूल है, ये आपका 18 तारीख तक करना है। इसमें क्या करना है कि आपको दो टीम बनाना है, ए और बी। टीम ए में 5 लोगों से 1100 बीवी कराना है, और टीम बी से 5 लोगों से 1100 बीवी कराना है, और अपना खुद 1100 बीवी करना है। समझ रहे हैं? टीम ए में 5 लोगों से 1100 बीवी करना है, और टीम बी में 5 लोगों से 1100 बीवी करना है। मतलब टीम ए से 5500 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, और टीम बी से भी 5500 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है पूरे टीम से मिलाकर जितना आपका बिजनेस पॉइंट होता है, तो और प्लस अपना 1100 बीबी पर्सनल बीबी करना है। तो
यहाँ पे टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ पे देखिए टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है टीम ए से 5500 बीबी, टीम बी से 5500 बीबी और पर्सनल अपना 1100 बीबी, टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है 12100। तो 12100 के हिसाब से जो हमारा परफॉर्मेंस इनकम का जो प्लान है उसमें 12000 पे आपका 18% ही होता है, लेकिन अगर आप बूस्टर इस तरह से करते हैं तो आपका लेवल 23% हो जाता है और 5% पे ये 18% में रहेगा, बी 18% में रहेगा और आपका लेवल हो जाएगा 23%। तो यहाँ पे इनकम की बात करते हैं, इनकम क्या होगा, तो यहां पर आपका इनकम क्या होगा, आपका पर्सनल इनकम देखिए 1100 बीबी का 23% 253 रुपया आपका पर्सनल इनकम होगा। दूसरा होगा डिफरेंस इनकम, डिफरेंस इनकम होगा 5500 का 23 माइनस 18, आपका लेवल है 23 और आपका टीम ए का लेवल है कितना 18%, तो 5500 का 18% 23 माइनस 18 5% आपको डिफरेंस इनकम मिलेगा, मतलब 275 रुपया वहां से आएगा। टीम बी से भी आपको 5500 का 5% 275 रुपया आ रहा है, तो आपका टोटल इनकम हो गया 253 रुपया प्लस 275 प्लस 275, मतलब 803 रुपया आपका ये टोटल इनकम बनता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई इतना मेहनत करता है तो उसको रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी मतलब जैसा कि हम बताए कि किसी भी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आप कंपेयर करेंगे तो रॉयल्टी आपको लेने के लिए किसी एक लेवल को अचीव करना पड़ता है, कुछ एक लेवल आपको जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक वहां पे रॉयल्टी नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी आज अगर आप ज्वाइनिंग लगाए हैं और एक महीना के अंदर आपने ये इतना बिजनेस किया तो आपको उसी महीना रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी 5% रॉयल्टी का मतलब ये हुआ कि जो काम आप किए हैं उसका पैसा तो आपको मिलेगा ही, जो काम आप नहीं भी किए हैं उसका पैसा भी आपको मिलता है। ये रॉयल्टी कैसे मिलता है उस चीज को समझिएगा कि 5% रॉयल्टी मतलब कंपनी का जो सेल होता है, टोटल सेल होता है, आपने तो टोटल कितना भी सेल किया 12100, लेकिन कंपनी आपको दे रही है पूरे टर्नओवर का, कंपनी का जो पूरे इस महीने का जो टर्नओवर हुआ उसका 5% में आपको रॉयल्टी देती है। कंपनी का मान लीजिए 1 लाख एक करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 1 करोड़ का 5% निकालेगी और ऐसे लोगों में बराबर बांट देगी जो जो माइक्रो बूस्टर ये कंप्लीट करता है, एक ये टीम से 5500, बी से 5500 और अपना खुद 1100 भी करता है, वैसे लोगों में बराबर बांट देगी। तो ये कितना मिलता है, ये करीब अमाउंट आता है 1000 रुपया। सोचिए अभी तक दूसरी कंपनियां ये 803 रुपया आपको दे रही थी, किसी भी कंपनी में आप काम कीजिए इतना बिजनेस देंगे तो आपको लगभग 803 रुपया 1000 रुपया तक कहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 5% रॉयल्टी ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये कंपनी का यूनिक चीज है, यूनिक रॉयल्टी है, ये यूनिक ऑफर है जो कि आप स्टार्टिंग में ही कोई भी नया बंदा ले सकता है, तो 1000 रुपया उसको अलग से रॉयल्टी मिलता है। तो यहाँ पे टोटल इनकम करीब 2000 रुपया का ये टोटल इनकम उसको हो जाता है। इसका दूसरा भी मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल करने के लिए क्या करना है कि 23 तारीख तक हर महीने की 25 तारीख तक आपको ये दोनों टीमों से 7000 बीबी, यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि हर आदमी से 1100 बीबी कराना है, किसी भी तरीके से टीम ए से 7000 बीबी होना चाहिए और टीम बी से भी 7000 बीबी होना चाहिए और साथ में अपना जो 1100 बीबी करना है वो करना है। तो यहाँ पर आप टोटल बीबी कितना देने, 15100 का। यहाँ पर आप इनकम देखिए क्या होता है, अपना इनकम पर्सनल इनकम वही 1100 का 23% 253 और टीम ए से मिलेगा 350 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 7000 बीबी हुआ, 7000 का 5% 350 रुपया, बी से भी हो गया 7000 का 5% 350 रुपया, टोटल इनकम हो गया 993 रुपया और 1000, ये 1000 हम मिनिमम बता रहे हैं, यहाँ पे 1200-1300 रुपया भी आता है लेकिन हम मिनिमम मान के रखें कि 1000, ये 5% रॉयल्टी आता है, तो ये आपका टोटल इनकम करीब 2000 रुपया 1993 रुपया ये इनकम बनता है। यहाँ पे मॉड्यूल एक तीसरा मॉड्यूल और है, ये बूस्टर रॉयल्टी पाने का तीसरा मॉड्यूल और है, इस मॉड्यूल नंबर 3। इसमें क्या है कि कंपनी के क्लोजिंग तक आप टीम ए से 15000 बीबी करा लेते हैं और टीम बी से 15000 बीबी करा लेते हैं, तो यहां पर आप सीधा 30% लेवल डायरेक्टली 25 सीधा 30% फ्यूचर स्टार लेवल पहुंच जाते हैं। आप टोटल बिजनेस दे रहे हैं 31100 का, जैसे मैंने बताया था कि 80000 पे जाने पे आपका 30% होता है, लेकिन मात्र अगर यहाँ पे 31100 का बीबी का बिजनेस देकर आप सीधा 30% लेवल में पहुंच जा रहे हैं। इसके लिए करना क्या है कि महीने की क्लोजिंग तक टीम ए से 15000 बीबी और टीम बी से 15000 बीबी, यहाँ पर भी टीम ए से मान लीजिए टीम ए से 1000 बीबी हुआ और आपका मान लीजिए दो टीम और है, बी और सी भी, सी और डी भी लेग है, तो उन सबको मिलाकर भी 15000 बीबी होगा, फिर भी आप ये बूस्टर रॉयल्टी ले सकते हैं।
ये यहां पर आपको इनकम देखिए क्या होता है, अभी आपका लेवल यहाँ पे बढ़ गया 1100 पे, आपको 30% 330 रुपया मिलेगा, पहले 253 मिलता था 23% के हिसाब से, अभी 30% के 330 रुपया मिलेगा। अब टीम ए से क्या इनकम मिलेगा, 15,000 का 7% डिफरेंस हो जाएगा, 1050 रुपया आपका इनकम बन रहा है, टीम बी से मिल रहा है 1050, और टोटल आपका जो इनकम हो रहा था 2430 रुपया, और साथ में 1000 रुपया जो बूस्टर रॉयल्टी के रूप में, और आपका टोटल इनकम बनता है आपका 3430 रुपया। तो ये यहां पे बूस्टर का, ये आपका बूस्टर का प्लान है। ये दोबारा आ गया है। और यहां पे एक कंपनी का एक जबरदस्त ऑफर ये है कि अगर आप ये सब करते हैं, साथ में अगर आप एलेक्स का डिजिटल शॉपी लेके रखे हैं, एलेक्स का डिजिटल शॉपी जिसको कि एडीएस बोला जाता है, एलेक्स डिजिटल शॉपी, इसके लिए क्या करना है आपको कि 25,000 रुपया आपको लगाना है, 25,000 में 15,000 का स्टॉक मेंटेन करना है, और ये सब बिजनेस अगर आप अपने एडीएस के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 2% रॉयल्टी और अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे एडीएस का इनकम क्या बन जाएगा, टोटल देखिए अगर आप ये जो आप बूस्टर रॉयल्टी करते हैं साथ में अपना एक एडीएस भी ले लेते हैं, तो एडीएस लेने से आपका इनकम कितना बढ़ जाएगा, देखिए सबसे पहले तो एडीएस लेते हैं तो यहाँ पे 5% जो भी बीबी आप सेल करते हैं उसका 5% आपको इनकम मिलता है। तो एडीएस में जैसे आप मान लीजिए अगर आप 12,100 करके अगर आप बूस्टर कंप्लीट किए हैं तो वहां पे 12,100 बीबी का 5% 605 रुपया आएगा, और अगर आप 15,100 बीबी करके आप 5% किए हैं तो 755 रुपया आपका जो बीबी सेल हुआ उसका इनकम आ रहा है। साथ में यहाँ पे आपको 2% कंपनी का रॉयल्टी मिलता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 के स्टॉक को मेंटेन और 15,000 की प्रति माह सेल करने पर कंपनी टर्नओवर का 2% मिलता है, तो ये 2% रॉयल्टी आपको करीब 1200 रुपया मिलता है। तो सोचिए टोटल इनकम आपका 2000 प्लस, ये तो कंपनी मतलब सिर्फ दुकान खोलने से, एडीएस खोलने से, 25,000 का शॉप खोलने से आपको 2000 प्लस ये इनकम हुआ, और आपने बूस्टर रॉयल्टी किया था उसका 3400 रुपया अलग प्लस 2000, ये मतलब करीब 5,500 रुपया का इनकम आप कर सकते हैं बूस्टर रॉयल्टी में, सिर्फ कंपनी का यहां तक प्लान, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में बंदा अगर कोई आता है एक दो महीना मेहनत करता है तो आराम से 5,000 का इनकम यहां से कर सकता है। आप किसी भी कंपनी से कंपेयर करके देखिएगा कि इतना बिजनेस करने पे क्या इतना इनकम मिलता है क्या, तभी तो बोले कि यहाँ पे दो कंपनी का जो मिथ था कि प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, उस मिथ को भी तोड़ दिया कंपनी ने और बोला कि कंपनी बहुत 5 साल मेहनत करना पड़ता है, 5 साल नहीं, यहाँ पे आप पहला महीना से ही आप इनकम कर सकते हैं। अब है अगर आगे का स्टेप फॉलो करना है तो अब आपको तीसरा काम करना होगा, सपोर्ट करना। अभी तक आप सिर्फ दो स्टेप काम कर रहे थे, सिर्फ प्रोडक्ट आपने चेंज किया और आपने शेयर किया, शेयर करके आप यहां तक बूस्टर रॉयल्टी का इनकम ले रहे थे, अब इससे बड़ा इनकम लेना है तो आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना होगा, वो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये सपोर्ट यहाँ पे और भी बिजनेस जैसे कि यहाँ पे पिन लेवल से जैसे राइजिंग स्टार, साइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, वेगा स्टार, तो अब मेरा जहां तक था कि हम ये बिजनेस प्लान को यहाँ पर बूस्टर तक बताएंगे।